नमस्कार, मैं हूं ललित जैन। आज चुनावी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी की सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा आयोजित हुई थी। जनसभा में सभी 9 विधानसभा क्षेत्र जो वागड़ क्षेत्र के डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र से आती है वहाँ से लोगों को लाया गया था। मंच पे सारे प्रत्याशी भी थे और विधानसभा चुनाव में मजबूती प्रदान करने के लिए ये सभा कांग्रेस ने यहाँ रखी गई थी। क्या इस विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी की जो सभा हुई है उसके बारे में आप चंद्र जी क्या कहना चाहेंगे कि सभा में कितना प्रभाव पड़ेगा, कांग्रेस को कितना फायदा होगा? देखिए, वागड़ की राजनीति में गांधी परिवार का हस्तक्षेप पहले से ही रहा है और गांधी परिवार वागड़ में आता रहा है। सोनिया गांधी जी ने भी सभा की है इसी मैदान में। पूर्व विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने सभा की थी और इस बार कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा गया था। ये सभा कई मायनों में महत्वपूर्ण भी है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के नेता ही चाहते थे कि सभा के माध्यम से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़े और कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण और अधिक बढ़े। हालांकि जो अपेक्षाकृत जो इस सभा में थी वो भीड़ कम देखी गई। कुछ खाली पड़ी कुर्सियों को मुख्य एंड टाइम पर हटाना भी पड़ा, ये भी हमारे देखने में आया। हालांकि प्रियंका गांधी का जो भाषण था वो बहुत ही सदा हुआ था। उन्होंने गायत्री शक्तिपीठ में, गायत्री मंदिर में हवन और पूजा पाठ में भाग लेने के बाद अपने आप को ये साबित किया कि मैं धार्मिक हूँ। उन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण भी किया और ये कहा कि गायत्री मंत्र मुझे मेरी दादी इंदिरा गांधी ने सिखाया और यही गायत्री मंत्र मैंने अपने दोनों बच्चों को भी सिखाया है। इनका ये सब कहने के पीछे तात्पर्य ये था कि राजनीति में धर्म का इतना हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए कि इसके नाम पर वोट दे दिए जाए। उन्होंने कहा कि आप धर्म के नाम पर आपको गुमराह करने वाले लोग आएंगे इस चुनाव में, तो आप गुमराह ना हो। धर्म अपने आप में अलग चीज़ है जो हमारे सभी के दिलों में बसता है। इसीलिए उन्होंने यहाँ के संत मावजी महाराज को भी याद किया, मानगढ़ धाम को भी याद किया, रघुनाथ जी को भी याद किया, साथ ही यहाँ के स्वतंत्रता सेनानियों के अलावा वरिष्ठ जो कांग्रेसी थे पूर्व में भीखा भाई, उनको भी याद किया। तो प्रियंका गांधी ये बताना चाह रही थी कि कांग्रेस पार्टी जो है वो धर्म के नाम पर राजनीति न कर विकास के नाम पर राजनीति करती है। उन्होंने अशोक गहलोत के द्वारा पिछले 5 सालों में किए गए कार्यों के बारे में बताया, साथ ही आने वाले समय में अशोक गहलोत या कांग्रेस पार्टी की लोगों के प्रति क्या सोच है, लोगों को किस तरह वो अपनी उपलब्धियों के माध्यम से लोगों के जीवन को सहज करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एक आम व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहता है और उसी संघर्ष में वो सरकार से क्या सहायता चाहते हैं, वो सरकार से जो सुविधाएं चाहती है वो सुविधाएं वो सहायता कांग्रेस पार्टी देगी, इसलिए आपको इस विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को चुनना है। हालांकि कांग्रेस के नेता, मेरा ही मानना है कि कांग्रेस के नेता यदि और थोड़ी ताकत लगाते तो ये सभा और विशाल हो सकती थी। चूँकि पिछली दफ़ा के यदि राहुल गांधी की सभा को देखें तो इस सभा में भीड़ कम नज़र आ रही थी। 7 गारंटी की तो बात प्रियंका गांधी ने की खड़ी और गहलोत के जो 5 साल सरकार के थे उसमें जो विकास कार्य करवाए, योजनाओं के बारे में प्रियंका गांधी और स्थानीय बात करें तो प्रियंका गांधी ने सीमलवाड़ा 84 क्षेत्र पर 84 विधानसभा पर ज़्यादा फोकस देकर एक बात कही उन्होंने कि अगर कांग्रेस की सरकार हमारी आती है तो हम भीखाभाई नहर को 84 विधानसभा तक पहुंचाएंगे, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि प्रियंका जी जैसे एलिवेट पर उतरी तो उन्होंने अपने साथ में कैबिनेट मंत्री महेंद्र जी मालवीय को गाड़ी में बैठाया और वो वहां से गायत्री शक्तिपीठ और सभा स्थल तक पहुंचे। इस बीच में मालवीय जी ने उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें उनकी चर्चाएँ हुई होंगी और इसी के आधार पर चूँकि 84 सीट को कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर मान रही है ना, तो उन्होंने कहा कि देखिए सागवाड़ में कांग्रेस का विधायक नहीं होने के बाद भी हमने कितना काम किया और भीखाभाई नहर यहाँ की लाइफलाइन है कुल मिला के डूंगरपुर जिले की, और वो शुरू हुई तब से अब तक का उसका लाभ यहाँ के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के किसानों को आकर्षित करने के लिए ये बात उन्होंने कही है। मंच पे जो नेता दिख रहे थे, पुराने नेता भी दिख रहे थे, सागवाड़ के सुरेंद्र बामणिया भी मंच पे दिखे, क्या इस मंच पे कांग्रेस एक हो गई है क्या? देखिए मंच पे ही है। नहीं, देखिए कांग्रेस एकजुट है ये कहना तो अभी अभी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो कांग्रेस के बागी भी हैं।
जो स्वरोदास से सरपंच हैं और उनके साथ कौन कौन है वो अंदरूनी तौर पे सबको पता है, बाह्य तौर पे कौन है और अंदरूनी तौर पे उनको कौन सपोर्ट कर रहा है वो भी सबको पता है। तो कांग्रेस की एकजुटता को लेकर अभी ठप्पा नहीं लगाया जा सकता है, कांग्रेस एकजुट हो गई है। तो पूरी सभा का क्या तथ्य निकाला बन गया, इस सभा से कितना फायदा हो सकता है कांग्रेस को? देखिए इस सभा तो इसलिए कराएगी, या ऊपर जो मैसेज जब सभा का हुआ होगा तो यही दिया होगा कि ये डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की जो सीटें हैं और उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र की जो सीटें हैं वो उसको प्रभावित करेगा। तो उससे ये उनको भी था कि अधिक संख्या में भीड़ जुटेगी और एक माहौल बनेगा कार्यकर्ताओं के बीच में और एक मैसेज जाएगा कि हमारा राष्ट्रीय नेता यहाँ आई है और हमको कांग्रेस को वोट करना है। हालांकि इस सभा का कितना बेनिफिट मिलेगा वो तो आने वाले विधानसभा चुनाव में मालूम पड़ेगा। लेकिन चूंकि अब पीछे पीछे बीजेपी मोदी प्रधानमंत्री मोदी की भी सभा करा रही है, अब उसमें कितनी भीड़ जुटती है और इसमें कितनी भीड़ जुटी वो प्रधानमंत्री मोदी की सभा के बाद ही आकलन किया जा सकेगा। सभा में खास चीज दिखी कि प्रियंका गांधी ने अपनी क्षेत्रीय भाषा या वागड़ी भाषा में कुछ शब्द बोले, राम राम शब्द से अनुवादन किया, दीपावली की सबको राम राम बोला उन्होंने, और मेरी शब्द जो यूज किया जा रहा इस पे, तो क्या यहाँ की जनता पे फोकस किया जा रहा था देखिए मैंने मैसेज? पहले पहले ही आपको बताया है कि जब हेलीपैड से प्रियंका गांधी सभा स्थल तक आई तो उन्होंने अपने साथ यहाँ स्थानीय नेता है जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय, उनको अपनी गाड़ी में बैठाया। मात्र एक ही नेता थे जो प्रियंका जी के साथ गाड़ी में बैठे थे स्थानीय। तो और आप महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी की राजनीति की स्टाइल भी जानते हैं, वो भजन आदिवासी भजन भी बोल देते हैं, आदिवासी गायन भी बोल देते हैं और ये जो हमारे यहाँ वागड़ी के जो इस मेरियो जैसे और ये जो शब्द है उर्रे हो तो वो उनकी सभाओं में देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं मालवीय जी ने उनको ये फीडबैक दिया होगा कि दीपावली का त्यौहार है और हमारे यहाँ मेरियो 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 एक उत्साहवर्धन वाला शब्द है तो लोगों में इसका अच्छा मैसेज जाएगा। तो प्रियंका जी ने भी इसका अनुसरण किया है। धन्यवाद।